हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो आखिरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा था वो था मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी के क्वेश्चंस कैसे करते हैं और मोलैलिटी को मोलैरिटी से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसा इसके नाम से क्लियर है कि फ्रैक्शन ऑफ मोल यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो दो कंपोनेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन के, उनका फ्रैक्शन कितना होता है मोल के टर्म्स में, उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक अगर मैं मान लूं लेट मोल ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्मॉल n एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कैपिटल n, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसे मैं लिखूंगा x सॉल्यूट। Can I write it like this? Small n upon small n plus capital N. Moles of solute upon total moles of solute plus solution is going to be the mole fraction of solute. इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ mole fraction of solvent, that is X solvent is equal to capital N upon small n plus capital N. And interesting बात यह है, जैसा कि कभी भी ratio fraction की questions में maths में भी आपने पढ़ा होगा कि सभी component के fractions का sum 1 होता है, इसी तरह से यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि mole fraction of solute यानी X solute plus X solvent is always equal to 1. फिलहाल ये binary solution की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, इसलिए दो ही कंपोनेंट होते हैं। अगर दो से अधिक कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में तो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 के बराबर होगा। क्लियर? तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए ये देखा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होती है, वैसे ही किसी सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनके मोल फ्रैक्शंस का टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस होगा, सोच के देखिए। क्योंकि मोल में सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल में कहीं वॉल्यूम का कोई इनकॉर्पोरेशन है ही नहीं, वॉल्यूम कहीं आता ही नहीं है, तो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट तो होगा ही नहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट? तो नोट में लिख सकते हैं, नंबर 1, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। पॉइंट 2, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर रिलेटेड एज फॉलोज। यहां पे मैं एक रिलेशनशिप डिराइव करूंगा जो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी को आपस में रिलेट करेगा। हम लोग मोलैलिटी का जो फार्मूला लिखते हैं, मोलैलिटी जिसको मैं m डैश से लिखता हूं, कैन बी रिटन एज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और अगर हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में लिखा हुआ है तो 1000 का डिवीजन फैक्टर लगा दूंगा, तो ये फार्मूला है जनरल जो मोलैलिटी का होता है। इसको मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, लाइक स्मॉल n लिख दिया सॉल्यूट के मोल को, एंड जो आपका डिनोमिनेटर है इसको मैंने मॉलिक्यूलर मास m डबल डैश लिख दिया, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। m डबल डैश है यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड कैन यू चेक नाउ इट बिकम्स स्मॉल n अपॉन कैपिटल n। ये जो पूरा है दिस बिकम्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट? कैपिटल n इज गोइंग टू बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम डबल डैश इज इक्वल टू एम डैश। तो यानी कि जो हमारा मोलैलिटी हुआ वो मोल्स के टर्म में इस तरह से रिलेट कर सकता हूं मैं। अगर मुझे एग्जैक्टली मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रिलेट करना हो तो कैसे करूंगा? आपको पता है कि जो एक्स सॉल्यूट होता है ये होता है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n, एंड x सॉल्वेंट जो होता है दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। तो अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं, x सॉल्यूट अपॉन x सॉल्वेंट, तो यहां से आप देखेंगे स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n
डिवाइडेड बाय कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये कैंसिल हो गया तो ये स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन आ गया। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये फार्मूला कुल मिला के बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एक्स सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ये एक फाइनल रिलेशनशिप आ गया। अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो आप एक्स सॉल्वेंट को यूं भी लिख सकते हो 1 - x सॉल्यूट। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हो तो सिंपली 1 से सबट्रैक्ट करके सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस आर कनेक्टेड। काफी सिंपल रिलेशन है, आसानी से याद हो सकता है, क्लियर। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम लोग ppm लिखते हैं, एंड लास्ट वाला भी टेंथ भी इसी जगह पे बता देता हूं, पार्ट्स पर बिलियन, जिसे हम लोग ppb लिखते हैं, ppb, ठीक है। तो मिलियन का मतलब 10^6 होता है एंड बिलियन का मतलब कनेक्टेड है 10^9 से। तो अगर मैं सिंपली इसको डिफाइन करूं तो लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन वेट, या यूं लिखते हैं 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी ppm की डेफिनेशन हो गई सिंपली वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6, क्योंकि ppm बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। 10 ppm जैसे आया, मान लीजिए 100 ppm वाटर की हार्डनेस निकालते वक्त काफी यूज करते हैं इसका। तो अगर मुझे 10 ppm लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 10^6 ग्राम सॉल्यूशन में सिर्फ 10 ग्राम सॉल्यूट है, यानी कि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी और सॉल्यूशन की क्वांटिटी लगभग बराबर हो जाएगी। तो कई बार क्वेश्चंस करते वक्त यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट का वेट भी यूज कर लेते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट लॉजिकली फॉर्मूला यही होना चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6, क्लियर। ऐसी पार्ट पर बिलियन की बात करें तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10^9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर मैं ppb लिखूंगा तो ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^9, ठीक है। एंड जिस तरह से मैंने डिफाइन किया है ppm और pp को वेट बाय वेट के टर्म्स में, इस तरह से ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन यूनिट भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम परसेंटेज वेट बाय वेट टिल ppm एंड ppb, और इनकी इंटर रिलेशनशिप। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनके इंटर कन्वर्जन हमें अच्छे से आने चाहिए और इनपे बेस्ड क्वेश्चंस अच्छी तरीके से क्रैक कर लें, तब इसको पढ़ने का मतलब मकसद पूरा होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी of HCl solution which is 20% weight by weight and density is equal to 1.2 gram per cc. ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली वेट बाय वेट परसेंटेज दी हुई है, डेंसिटी दिया हुआ है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, इजी। तो देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन में डायरेक्टली आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, लाइक
20% वेट बाय वेट दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऐसा मान लेता हूं, लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 20 ग्राम जैसा कि डेटा दिया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80 ग्राम। ठीक है, अब आपको सॉल्यूट का वेट पता चल गया, क्योंकि फ्रैक्शन निकालने के लिए एग्जैक्टली वेट की जरूरत नहीं है, इवन परसेंटेज से भी फ्रैक्शन तो उतना ही आएगा ना, चाहे आप 100 ग्राम लो या 200 ग्राम लो या 1000 ग्राम लो, जो फ्रैक्शन ऑफ मोल है या फ्रैक्शन ऑफ वेट है या परसेंटेज ऑफ वेट है वो तो कॉमन रहेगा सभी में, खाली एग्जैक्ट वेट की क्वांटिटी बदलेगी यदि आप टोटल वेट सॉल्यूशन का बदलते हो। तो फिलहाल 20 और 80 ग्राम हो गया, तो x सॉल्यूट मुझे पता चल गया, x सॉल्यूट पहले मैं मोल निकाल लेता हूं, मोल ऑफ HCl हो गया 20 डिवाइडेड बाय 36.5, ऐसे मोल ऑफ H2O जो पानी है एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, HCl सॉल्यूशन एक्वस होगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है ना, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज गोइंग टू बी x अपॉन x प्लस y, तो दैट इज 20 अपॉन 36.5 डिवाइडेड बाय 20 अपॉन 36.5 प्लस 80 अपॉन 18, दिस इज इक्वल टू रफली 0.11। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया, अब यहां से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा 1 माइनस 0.11 दैट इज गोइंग टू बी 0.89। वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, बट इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करें जब हमें पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल का सम 1 होता है, तो सिर्फ एक का निकालने का है, बाकी का 1 से सबट्रैक्ट करके निकल जाएगा। ठीक है, तो 0.89 हो गया, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया, अब हमें मोलैलिटी निकालना है। राइट, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूं, ये 20 ग्राम है 80 ग्राम है, सॉल्वेंट का वेट पता है, सॉल्यूट का पता है, मोलैलिटी का फार्मूला डायरेक्ट निकल जाएगा, या फिर जो मैं अभी रिलेशनशिप बताया था कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में ये रिलेशनशिप होता है, उसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, आप लोग उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोग स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000 फार्मूला लगाते हैं, स्मॉल डब्ल्यू में 20 ग्राम ले रहा हूं, ये 36.5 है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू 80 है। क्लियर, दिस विल रफली कम्स आउट टू बी 0.685, ये मोलैलिटी आ गया। क्लियर, अब आपको मोलैलिटी पता है, मोल फ्रैक्शन पता है, परसेंटेज वेट बाय वेट पता हुआ है, मोलैरिटी निकालना है, डेंसिटी भी पता है, तो एक तो तरीका है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी का इंटरकन्वर्जन फार्मूला लगा के आप मोलैरिटी निकाल लो, और एक तरीका है कि डायरेक्ट फार्मूला लगा के, मोलैरिटी का डायरेक्ट फार्मूला लगा के या स्ट्रेंथ का फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो मुझे सबसे आसान जो तरीका पड़ता है वो है कि परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, डेंसिटी दिया है, उससे स्ट्रेंथ निकाल लूंगा, 1080 होता है इफ यू कैन रिकॉल, एंड स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोलैरिटी होता है, उससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो मैं इस मेथड से निकालूंगा। तो आई कैन राइट molarity is equal to strength divided by molecular weight of solute, strength को मैं 1080 लिख सकता हूँ, molecular weight of solute 36.5 है, तो 10 into a है 20, d है आपका 1.2 divided by 36.5। तो इस तरह से हम लोग कभी भी मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन को आपस में इंटरकनेक्ट करके वैल्यूज निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट का एप्लीकेशन है, इन क्वेश्चंस में आसानी से निकल जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मुझे कभी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालना हो, कौन से रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसको डाइल्यूट कर दिया, तब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, डाइल्यूट कर दिया मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो उस केस में रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, या दो एक ही सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशंस हैं उनको मिक्स कर दिया, मिक्सर
बनने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया उस मिक्सचर का यानी मिक्स्ड सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगा, प्रोवाइडेड दोनों में सॉल्यूट एक हो। फिर मैं सॉल्यूट को डिफर करूंगा, फिर सॉल्यूट को डिफर करने के बाद ऐसा भी केस ले सकते हैं कि सॉल्यूट आपस में रिएक्ट कर जाए, इन दैट सिचुएशन क्या होगा। या मान लीजिए सॉल्यूट्स ऐसे हैं जो आयनिक फॉर्म में स्प्लिट हो जाते हैं, तो अलग अलग आयंस की कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, राइट। तो पहला केस में ले रहा हूं पार्ट ए, व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, सिंपली सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाई है। मान लीजिए मेरे पास HCl सॉल्यूशन है, इसकी इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इनिशियल मोलैरिटी M1 है, ये इनिशियल हुआ, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूटेड। तो जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन HCl का आया उसका वॉल्यूम V2 हो गया एंड मोलैरिटी मान लीजिए M2 हो गया। तो एक खास बात है, जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो जो सॉल्यूट के मोल होते हैं वो तो कंजर्व रहते हैं, क्योंकि आप डाइल्यूट कर रहे हो ना, डाइल्यूट करने का मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ाना। तो ऑन डाइल्यूशन सॉल्यूट के मोल्स या सॉल्यूट के मिलीमोल्स विल रिमेन कंजर्व्ड। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इनिशियल मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फाइनल मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट। आप मिलीमोल की जगह मोल भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होता है, तो क्यों इसको दोनों तरफ हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप मिलीमोल्स भी इक्वेट कर सकते हो, और मिलीमोल मोलैरिटी के टर्म में यदि आपको याद हो ऐसे निकालते थे मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोल ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं लिख सकता हूं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये बहुत कॉमन फार्मूला है जो कई जगह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नाम के चैप्टर में भी आता है, जहां पे नॉर्मेलिटी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां N1V1 इज इक्वल टू M2V2 लिखते हैं। बट केवल डाइल्यूशन करना हो तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 इज सफिशिएंट। तो यहां पे M1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, M2 आ जाएगा आसानी से। तो M2 इज इक्वल टू M1V1 divided by V2. This is how we can calculate the final molarity if a solution is diluted. Clear? अब केस में ले रहा हूं जहां पे हमने दो solutions को add कर दिया. So part B, when two solutions are added. But यहां पे मान के चल रहा हूं कि दोनों में same solute है. Part B, when two solutions having same solute, yeah, simply ले रहा हूं, when two solutions are added, they are mixed. अब इसमें भी अलग अलग केसेस ले सकते हैं। नंबर वन, both the solutions have same solute. अब सेम सॉल्यूट है तो आपस में कोई रिएक्शन तो होनी नहीं है सॉल्यूट की, तो उस केस में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट के मोल को कंजर्व कर लेंगे, यानी कि ऐड करने से पहले दोनों के इंडिविजुअल मोल्स और ऐड करने के बाद दोनों के इंडिविजुअल मोल्स निकाल लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने HCl लिया, एक सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और इसको दूसरे HCl सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि फाइनल टोटल मोल्स या मिलीमोल्स कह लो, मिलीमोल्स इज इक्वल टू इनिशियल मिलीमोल्स टोटल, फाइनल मिलीमोल्स को मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी फाइनल M फाइनल इनटू V फाइनल इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, यानी इस वाले सॉल्यूशन के मिलीमोल प्लस इस वाले सॉल्यूशन के मिलीमोल, M into V लिख दिया, तो M फाइनल सॉल्यूशन या रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी आ गया M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V फाइनल। अब अगर क्वेश्चन के अंदर V फाइनल मेंशन नहीं है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चीज यानी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट यदि हम नहीं डाले हैं, तो सिंपली V को मैं V1 प्लस V2 लिख सकता हूं, अनलेस समथिंग एल्स इज मेंशन। अगर कोई और चीज नहीं मेंशन है
तो फाइनल वॉल्यूम को हम लोग वी वन प्लस वी टू इनिशियल वॉल्यूम टोटल लिख सकते हैं, राइट। तो अब फार्मूला अगर ऐसा केस हुआ तो एम रिजल्टेंट या एम फाइनल इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू लिख सकते हैं। बट रिमेंबर, ये तभी होगा जब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट नहीं ऐड किया है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि कुछ पानी डाल करके फाइनल वॉल्यूम 100 ml बना लिया या 1 लीटर बना लिया, उस केस में जो फाइनल वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होगा वो लेना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आप वी फाइनल को वी वन प्लस वी टू ले सकते हो। क्लियर। पार्ट थ्री, व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट solute are taken, but यहां पे condition ये है कि जो two solutions of different solute taken है ये non-reacting solvent solute है, non-reacting solute। अब यहाँ पे दोनों सॉल्यूट आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो खाली वॉल्यूम का ही तो चेंज आएगा, मोल तो दोनों सॉल्यूट के जो रहेंगे वो फाइनल भी उतने ही रहेंगे। खाली दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर उनके वॉल्यूम जुड़ जाएंगे, वॉल्यूम एडिटिव होता है। तो मैं यहाँ पे दो केस लेता हूँ, एक ऐसा केस जहाँ पे सिंपली सॉल्यूट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, खाली वॉल्यूम चेंज होता है, और एक ऐसा केस जहां पे सॉल्यूट आयंस में स्प्लिट हो जाता है और हम अलग अलग आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं। लेट्स सी, पहला एग्जांपल मेरे पास ग्लूकोज और यूरिया का है। इसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, इसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे, ऑन मिक्सिंग फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ठीक है। तो मोलैरिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्लूकोज इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन फाइनल वॉल्यूम। मिलीमोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे, एम वन वी वन डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया का आपस में कोई इंटरेक्शन है नहीं, तो इनके इंडिविजुअल मिलीमोल उतने ही रहेंगे फाइनल सॉल्यूशन में जितना आपने इनिशियली ऐड किया है। तो मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज ही आ गया। इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू यूरिया इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम फाइनल इन मिलीलीटर, फाइनल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपका एम टू वी टू, यूरिया के मिलीमोल एम टू इंटू वी टू, वी टू को मैं मान रहा हूँ कि मिलीलीटर में है इसलिए मिलीमोल लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जब दो सॉल्यूट आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हों तो उस केस में ऐसे दो सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा दोनों सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में फाइनल सॉल्यूशन के अंदर। तो दोनों सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, जैसे पहले यूरिया का इतना मिलीमोल वी वन वॉल्यूम में था, यूरिया ग्लूकोज का इतना मिलीमोल वी वन वॉल्यूम में था, अब जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो वी वन प्लस वी टू वॉल्यूम में आ जाएगा, तो मोल डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम, यहां से मोलैरिटी निकाल लेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल टू, इस बार मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं जहां पे दो ऐसे कंपाउंड हैं जो आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं और हमें हर एक आयन के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास है NaCl प्लस CaCl2, इसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, इसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। अब मुझे टू कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी एक ही चीज होती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल आयन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअली मैं क्या करूंगा, सभी आयन के टोटल मिलीमोल निकाल लूंगा और फाइनल वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू हो ही जाएगा, अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है वॉल्यूम के बारे में। तो सभी आयन के टोटल मोल फाइनल सॉल्यूशन में निकाल लूंगा और उसको फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, मेरा हर एक आयन के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी या मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं मिलीमोल ऑफ ईच इंडिविजुअल आयन, कितने आयन है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, राइट।
क्लोराइड आयन को टोटल कर लूंगा दोनों तरफ से आने वाले, तो क्या मैं लिख सकता हूं मिलीमोल्स ऑफ सोडियम आयन इज इक्वल टू मिलीमोल ऑफ NaCl। इजी, जितना मिलीमोल NaCl का रहा होगा उतना मिलीमोल सोडियम आयन सॉल्यूशन में आएगा, दैट इज गोइंग टू बी M1V1। एंड मिलीमोल ऑफ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू मिलीमोल ऑफ CaCl2, दिस इज गोइंग टू बी M2V2। एंड मिलीमोल ऑफ क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन दोनों जगह से आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ मिलीमोल ऑफ क्लोराइड आयन टोटल इज इक्वल टू मिलीमोल ऑफ NaCl प्लस ट्वाइस द मिलीमोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि हर एक कैल्शियम क्लोराइड के अंदर दो क्लोरीन है, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी मिलीमोल ऑफ NaCl प्लस ट्वाइस द मिलीमोल ऑफ CaCl2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका M1V1 प्लस 2M2V2। ठीक है, अब मैंने इंडिविजुअली सभी आयन के मिलीमोल्स निकाल दिए, आप फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपको सभी आयन के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी या मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता पड़ जाएगा। तो मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू सोडियम आयन, मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन लिख सकते हैं, या कभी कभी इसी को मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा आसान सा स्टैंडर्ड तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, इसका मतलब है, इसको पढ़ते हैं ऐसे है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। तो यहां मैं लिख सकता हूं मिली मोल ऑफ सोडियम आयन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये आपका हो गया M1V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस P2। इजी, M1V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस P2। M1V1 इसके मिली मोल है सोडियम आयन के, और फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस P2 हो गया। क्लियर? अगर बाकी आयंस का भी मुझे निकालना है तो सबके मिली मोल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम आयन या मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मिली मोल ऑफ कैल्शियम आयन डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम। सो दिस इज गोइंग टू बी M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। और इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्लोराइड आयन के लिए, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्लोराइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू M1V1 प्लस 2M2V2। एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ क्या यूज कर रहा हूँ मैं, मिली मोल ऑफ क्लोराइड आयन टोटल अपॉन फाइनल वॉल्यूम। सो दिस इज गोइंग टू बी M1V1 प्लस ट्वाइस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ईजी, क्लियर? तो इस तरह से अगर कभी दो सॉल्यूशंस आपस में मिक्स करें जिनके सॉल्यूट आपस में रिएक्ट ना करें, तो दो केस हो सकता है, एक तो नॉर्मल दो मॉलिक्यूल ले लिया जिसका डिसोसिएशन नहीं होता, आयंस में स्प्लिट नहीं होता है, तो खाली वॉल्यूम चेंज होकर के मोलैरिटी आ जाएगा, या ऐसे दो कंपाउंड हैं जिनका डिसोसिएशन होकर आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, तो इंडिविजुअल आयन की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 75 ml of H2SO4 having specific gravity 1.18 and 49% weight by weight is diluted to 590 ml. Calculate the molarity of resulting solution. अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के इनडायरेक्टली दिया हुआ है, आसान सिंपली, क्योंकि डाइल्यूशन फार्मूला डाइल्यूशन में लगाना होता है, डाइल्यूशन है यहाँ पे, लेकिन डाइल्यूशन फार्मूला है क्या, M1V1 = M2V2। M1 डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो सिंपली हमें शुरुआत में इनिशियल मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। तो इनिशियल मोलैरिटी M1, देखो D दिया हुआ है, A दिया हुआ है, स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, और मोलैरिटी होता है स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास। स्ट्रेंथ हो जाएगा 10 AD डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, H2SO4 है 98, तो 10 × A, A आपका 49 है, D 1.18 डिवाइडेड बाय 98, तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 5.9, इनिशियल मोलैरिटी 5.9 हो गया। इनिशियल मोलैरिटी मुझे पता है 5.9 मोलर, इनिशियल वॉल्यूम पता है 75 ml, फाइनल वॉल्यूम दिया है 590 ml, और फाइनल मोलैरिटी हमें निकालनी है, तो सिंपली आई कैन अप्लाई डाइल्यूशन फार्मूला M1V1 = M2V2, तो M2 हो जाएगा M1V1 डिवाइडेड बाय V2। M1 है आपका 5.9, V1 है 75 डिवाइडेड बाय 590, राइट? तो दिस कम्स आउट टू बी 0.75 मोलर।
तो फाइनल मोलैरिटी 0.75 मोलर हो गया। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 100 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 62% वेट बाय वेट डेंसिटी 1.8 ग्राम पर सीसी दिया है इज डाइल्यूटेड सच दैट द डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स 1.2 ग्राम पर ml कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो एक बार, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो 100 ml एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है मुझे, इसमें मैं मान लेता हूं लेट V ml ऑफ H2O is added and can we assume that weight of water added is equal to volume into density, volume है V, density है 1, तो V gram हो गया, density क्योंकि 1 gram per cc है तो जो volume होगा milliliter में वही weight हो जाएगा gram में, तो weight of water पता है, अब हमने V gram H2O add कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू पहले 100 ml था और उसमें V ml डाल दिया इतना ml, अब अगर मुझे वेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन मिल जाए तो डेंसिटी का फार्मूला यूज करके मैं V निकाल सकता हूं, तो वेट निकालने के लिए पहले मुझे इनिशियल वेट निकालना पड़ेगा, इनिशियल वेट ऑफ एच सॉल्यूशन कितना है, 100 ml का सॉल्यूशन था और इसकी डेंसिटी 1.8 थी तो 180 ग्राम हो गया और इसके अंदर मैंने V ग्राम H2O डाल दिया है तो फाइनल वेट ऑफ H2SO4 कितना हो गया, फाइनल वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इनिशियल वेट था 180 और इसमें V ग्राम मैंने H2O डाल दिया है, नाउ डेंसिटी फाइनल दी हुई है, फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेट अपॉन फाइनल वॉल्यूम 180 प्लस वी डिवाइडेड बाय 100 प्लस वी, ये 1.2 दिया है, सॉल्व कर लीजिए तो 180 प्लस वी इज इक्वल टू 120 प्लस 1.2 वी, इसको इधर ले आइए 60 इज इक्वल टू 0.2 वी, यहां से वी 300 ml आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बच्चे इसके अंदर एक बहुत नॉर्मल गलती कर देते हैं, बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं कि उनको यही समझ में नहीं आता है कि जब मैंने वी एम एल पानी में डाला है इसका मतलब वी ग्राम पानी डाला है, क्योंकि डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की वाटर की पानी डाल रहे हैं आप, तो वाटर की डेंसिटी आप वन एज्यूम करके जितना क्वांटिटी मिलीलीटर में आप डाल रहे हैं वाटर का उतना ही वेट बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है, तो दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो आज के सेक्शन में हम लोगों ने सीखा है कि बेसिकली जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, और उसमें भी हमने अभी तक जो एज्यूम किया है कि सिंपल डाइल्यूशन यानी पानी डाल दो या दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दो जिनके सॉल्यूट आपस में रिएक्ट ना करें, और उसमें भी हमने आयनिक कंपाउंड को इनकॉर्पोरेट करके इंडिविजुअल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं ये सीखा है। अगले लेक्चर में हम लोग ऐसे मिक्सचर की भी बात करेंगे जिसमें सॉल्यूट आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, तब कैसे हम लोग अलग अलग कंपोनेंट की मोलैरिटी फाइनल सॉल्यूशन में निकाल सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।